एक प्रॉब्लम हो गई है कि अपने जो एग्जॉस्ट है उसको निकालने के बाद जनरल चेकअप करवाया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे इंजन ऑयल 500 ml कम निकला, जब उन्हें वो टॉप अप करने वाले थे तो 500 ml कम निकला, तो वो चीज़ वो समझ नहीं पा रहे कि इतना कम कैसे हुआ। मतलब कैब चेंज ही करा दो सर, एक साइड करा ही तो पूरा, कोई प्रॉब्लम ना हो बस। ये तो क्लीन हो जाएगा, ठीक हाँ। है इसको भी एक बार चेंज कर लेंगे निकाल के, बट कैब मेरे हिसाब से चेंज हो जाएगा, ये तो सही जाएगा। चेकअप हो रहा है क्योंकि मैंने बताया ना जिस तरीके से कि राइड करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मेरी गाड़ी में। इतने में हो जाएगा? तो हेलो एवरीवन, आज अपनी बाइक का सेकंड सर्विस का टाइम आ गया। काफ़ी टाइम के बाद अपने को टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि अपने राइड पे थे, और राइड आने के बाद फिर नोएडा पे दो बार चक्कर लग गए भाई, इधर आना जाना अपने को काफ़ी टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि सर्विस में आप जानते हो पूरा पूरा दिन लग जाता है, तो वही दिक्कतें थी। तो अभी जो किलोमीटर हो चुका है इसमें टोटल हो चुका है देखो 6,390, तो उससे ज़्यादा ही चल चुकी है फिलहाल तो गाड़ी। फायर एंड मिरर्स भी मुझे इसमें फिट करवाने हैं क्योंकि वो पहले वाला जो मिरर था वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, वो आपने बनारस राइड पे देखा, तो वही दिक्कतें थी। यहाँ पे लग जाएगा वो आप जानते हो यार, इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे लग जाएगा, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट हो जाएगी अपनी राइड के हिसाब से भी। शोरूम में मैंने कल बात करी थी, वो लोग कह रहे थे कि बार एंड मिरर्स अवेलेबल तो है, आज एक बार जाके देखते हैं कि क्या होता है। पहले शोरूम में विजिट करेंगे उसके बाद सर्विस स्टेशन चलेंगे, सिस्टम दिखाते हैं कितना पैसा लगता है अपने को सेकंड सर्विस में, ब्रेक पैड क्या क्या चेंजेस होते हैं देखते हैं। अपने नानक मत्ता वाले एरिया से अपने क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ी देर वहाँ पे हमने वेट किया था क्योंकि अपने को तो हम कॉल करके ही गए थे सर्विस स्टेशन में, मैंने सुबह मॉर्निंग में कॉल कर लिया था कि भैया मैं आने वाला हूँ, तो ऐसा 12:30 बजे का अपॉइंटमेंट लिया था, बड़े भी 1:15 हो रहे हैं, हमेशा की तरह हम लेट ही रहते हैं हर जगह पे। अब देखते हैं कैसा क्या काम होता है। मुझे इस बार लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ होने वाली है क्योंकि पिछली बार जो फर्स्ट सर्विस थी वो अपनी हुई थी 2,740 रुपीज़ की हुई थी, और उस बार तो आपका एयर फिल्टर भी चेंज नहीं था, नॉर्मल हुआ था और उसके बाद भी इतना हो गया था। तो अभी देखते हैं, मुझे तो लग रहा है अपना 3,000 से ऊपर क्रॉस कर जाएगा शायद, कंफर्म नहीं है, मुझे लग रहा है कि ऐसे हो सकता है। बात करेंगे कि मैंने और भी वीडियोस में देखा था उनका 3,800, किसी का 4,000, किसी का कुछ ऐसे ऐसे बन रहा था, क्योंकि ब्रेक पैड भी चेंज होते हैं ना, तो ब्रेक पैड इसके बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अभी देखते हैं कि उनसे पूछ के कि ब्रेक पैड कैसे चेंजेस होते हैं, हो पाते हैं इसके कि नहीं, चल जाएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे आगरा जयपुर राइड भी करनी है तो वहाँ के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। उनसे पूछना पड़ेगा कि भैया मैं राइड पे जाने वाला हूँ, थोड़ा लंबा राइड रहेगा फिर से सेम टू सेम अपना वैसा ही बनारस जैसा, तो क्या ब्रेक पैड चेंज कराने पड़ेंगे मुझे या नहीं, या चल जाएगा काम, तो वो उनसे पूछते हैं। पहले हमको जाना है शोरूम मिरर खरीदने के लिए, उसके बाद वहाँ से खरीद के सीधे निकलेंगे सर्विस स्टेशन। तो ये अपने आ गए हैं शोरूम साइड। चलो भैया शोरूम आ गए। मैं पहले एक दिन लखनऊ रुका, फिर अगले दिन बनारस पहुँचा, वीडियोस बनाते हुए जाता हूँ ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी पहुँचने का मतलब नहीं है, टाइम लगता है धीरे धीरे, मतलब 120-110 ऐसे चलता है, इसमें 130 पता नहीं चलता ना। मैंने इसको टॉप स्पीड 150 भगाई है मैंने इसको, नोएडा में 180 तक गया था।
ये रॉड निकालने से कोई फर्क पड़ेगा? सेकंड सर्विस में भी ऑयल चेंज होता है ना इसका? ज़्यादा अगर नीचे रही है 6,500 का वो अपने अकॉर्डिंग देख के करेंगे, अगर ज़्यादा काला हो गया रहेगा तो कर देंगे 500। काला तो हो रहा है वो, आगे मार दो। बारह मिरर्स तो चलो लग गए, विजिबिलिटी अच्छी आ रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, सब कुछ परफेक्ट। अभी हमको जाना है यहाँ से सर्विस करवाने के लिए, हमने यहीं पे लगवा लिया। उन्होंने बोला कि सर वहाँ क्या जाओगे, यहीं लगा लेते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई, यहाँ से थोड़ा दूर है सर्विस स्टेशन। अभी पता है क्या फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा हैंडल बहुत ज़्यादा चौड़ा चौड़ा सा हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। काफ़ी बड़ा बड़ा सा ये रहा अपना रास्ता। सेकेंड सर्विस ये जो होंडा का है, ये भी इन्हीं लोगों का है। तो अभी हम लोग रॉयल इनफील्ड के सर्विस स्टेशन पे आ रखे हैं, जो आपने देखा। तो अभी हमारी गाड़ी वॉश होगी, मतलब अभी ठंडी होने के रखे, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गर्म है ना, तो एकदम से धोएंगे तो समझते हो। तो अभी वॉश होगी, उसके बाद अपना पीछे जो दिख रहा है अपना सेकंड नंबर पे गाड़ी लग जाएगी, वहाँ लग जाएगा, टेक्नीशियन हमारा सारी चीज़ें चेक करेगा। और सबसे मज़े की बात है, अभी क्या होगा, सेकंड सर्विस में ऑयल चेक होगा और एयर फिल्टर चेक होगा। अगर वो ऐसा लगेगा कि ख़राब हो रहा है तो उसको फिल करेंगे, वरना उसको नहीं करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं लगेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद ही बोला कि जबरदस्ती नहीं करेंगे, मतलब समझ रहे हो ना, कहने की बात है, चेक होगा सिर्फ। बट मैं, मेरे हिसाब से अगर मुझे लगेगा ऑयल, भैया मैं ऑयल चेंज करना चाहता हूँ, भले एयर फिल्टर चेंज ना हो, बट ऑयल चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, उस हिसाब से मैं उनसे बातचीत करूँगा। और ब्रेक पैड की बात करी थी, वो टेक्नीशियन खुद बताएगा चेक करने के बाद कि ब्रेक पैड चेंज करने पड़ेंगे कि नहीं। तो सेकंड सर्विस में अभी तक का जो सारा कैलकुलेशन होने के बाद 3,120 रुपए के आसपास उन्होंने बताया मुझे। और अगर वो ऑयल चेंज नहीं होता है और एयर फिल्टर चेंज नहीं होता है तो वो और माइनस हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। वेट करते हैं यहाँ पे, अभी वेट कर रहे हैं, 2:15 हो रहे हैं।
तो अभी हम लोग सर्विस स्टेशन के थोड़ा बाहर के साइड आए हैं, अपनी कॉफी मिली है हमें हमेशा की तरह, वो हम ले रहे हैं वो आयुष को खड़ा। अभी गाड़ी में क्या हो गया, नीचे जो आपका वो समगार्ड होता है ना उसका एक नट है वो टूट गया, पहले से ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो, तो अभी उसको गाड़ी को थोड़ा साइड में बाहर खड़ा करके वो वेल्ड करके उसको बाहर निकाल देंगे और नया नट लगा देंगे। तो अभी काम धंधा चल ही रहा है, तो अभी थोड़ी देर हम बाहर हवा खाने आए, मौसम बहुत प्रीमियम हो रहा है तो देखते हैं। अभी ऑयल फिल्टर की बात करी थी, ऑयल फिल्टर चेंज होगा और एयर फिल्टर भी चेंज कर दिया, इंजन ऑयल को टॉप अप कर देंगे उसको क्लीन करके, वो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा, मतलब है कोई तरीका इनके, क्योंकि ये पूरा सिंथेटिक है तो ये इसमें क्या होता है कि रिसाइकिल बहुत इजीली हो जाता है, तो और हमारी 650 में यही यूज़ होता है तो अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा मतलब चल जाएगा 10,000 किलोमीटर कहा, बट फिर भी मैंने बोला कि कोई नहीं इसको थोड़ा छान के फिर से थोड़ा सा टॉप अप कर देना क्योंकि मैं राइड पर रहता हूँ, थोड़ा ठीक है चलो हम कर देते हैं। पानी चले जाता है ना उसमें, तभी कहते हैं कि कभी वॉश साफ कराएं तो पहले आप एयर मारें। अच्छा एयर में, हाँ है तो स्पार्क प्लग खोल लो, मिस तो कभी नहीं मारा इसमें, इधर वाला ठीक है, रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा एक बार बस, वैसे ठीक है रेस्टिंग नहीं है, कैप चेंज ही करा दो सर एक साइड पे, कराई तो पूरा कोई प्रॉब्लम ना हो बस, ये तो क्लीन हो जाएगा ठीक हाँ। है इसको भी एक बार चेंज कर लेंगे निकाल के, बट कैप मेरे हिसाब से चेंज हो जाएगा मुझे, ये तो सही जाएगा। हो जाएगा होगा, अच्छा सारे उनसे पूछूंगा ना मैं। अच्छा अच्छा एक प्रॉब्लम हो गई है कि अपने जो एग्जॉस्ट है उसको निकालने के बाद जनरल चेकअप करवाया था, वैसे जो अपनी सर्विस है वो ये सर्विस नहीं है, सेकंड सर्विस नहीं है इनको, थोड़ा मेरे को थोड़ा माइंड से निकल गया था कि 10,000 किलोमीटर में होती है क्योंकि BS6 है ना मेरा इस चक्कर में, तो ये फर्स्ट सेकंड सर्विस नहीं है, ये जनरल चेकअप हो रहा, तो चेकअप में काफ़ी कुछ पता चला कि मेरे स्पार्क प्लग है जो राइट साइड वाले पे कार्बन बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है, रस्टिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, तो वो चीज़ हम चेक कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अब देखो क्या होता है, अभी तो वो चेकअप कर रहे हैं सारी चीज़ें, उनने मीटर वीटर देख के सारा कुछ चेक कैलकुलेट किया कि दोनों स्पार्क प्लग बाहर निकाल के कि उसमें से एक में प्रॉब्लम आ रही है, एग्जॉस्ट एक बाहर निकाल दे दूसरे एग्जॉस्ट में बहुत ज़्यादा कार्बन आ रहा है, पूरा हाथ काले हो जा रहे हैं उन लोगों के, देखते हैं और क्या दिक्कतें निकलती हैं यार, अभी तक तो जो सोचा था उससे कुछ अलग ही हो रहा है मामला, बट कोई नहीं गाड़ी में थोड़ा देखभाल करना जरूरी है, ये चीज़ हम नहीं देखते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, किस्मत में था कि भाई पहले चेकअप हो जा रहा तो अच्छी बात है क्योंकि अभी सेकंड सर्विस करके निकल जाते कोई दिक्कत नहीं थी। हैं गाड़ी के इंजन के नीचे का एक सेंटर का एक नट ढीला था वो पकड़ा इन लोगों ने, और एक और चीज़ जहाँ पे फ्रेमिंग होती है नीचे वाली जहाँ पे इंजन जिस पर रखा वो नट ढीला हो गया था, ऐसे ऐसे कर रहा था वो भी इनने पकड़ा कि भाई ये ढीला पड़ा हुआ था, मैं राइड कर रहा हूँ इंजन खुल के कर जाए कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी, बट बच गए भाई किस्मत से अच्छा हुआ। अभी देखते हैं कि और क्या क्या प्रॉब्लम निकलती है, अभी चेकिंग चली रही है, वो थोड़ा सा रेस्ट लिया 2 मिनट के लिए, मतलब चाय पी रहे हैं वो लोग, देखते हैं और क्या क्या नई नई चीज़ें निकलती हैं वो आपको अपडेट करते रहेंगे, टेक्नीशियन तो लगे पड़े हैं इंजीनियर भी लगे पड़े हैं क्योंकि मेरी गाड़ी में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही क्योंकि चेकअप हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना जिस तरीके से कि राइड करता हूं, तो थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मेरी गाड़ी में, तो चलो देखते हैं और क्या क्या निकलता है।
तो भाई अपना सेकंड सर्विस तो हुआ नहीं, जनरल चेकअप हुआ है, क्योंकि 10,000 किलोमीटर में सेकंड सर्विस होती है और मैंने सोचा था कि 5,000 में होती है, क्योंकि जो 5,000 में होती है वो सर्विस होती है आपकी BS4 की, और BS6 की होती है 10,000 किलोमीटर में सेकंड सर्विस। तो ये अपना बिल रहा, क्या क्या चीजें चेंज हुई मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखो, ये अपना रहा सप्रेसर कैप जो है, अपनी जो स्पार्क प्लग में रस्टिंग आ रही थी वो आपका 225 का था, जो वारंटी में अपना हो चुका है भाई, उसके पैसे नहीं लगे अपने को। बाकी इंजन ऑयल जो डला है वो है आपका 324 रुपीज़ का, टॉपअप हुआ है पूरा, जो जितना बचा हुआ था उतना फिल कर दिया, बाकी जितना ख़त्म हो रहा था ठीक है टॉपअप हुआ है सिर्फ। और ये तो अपना नॉर्मल चीज़ें हैं चलो, और टोटल जो खर्चा हुआ है वो है 224 इंस्पेक्शन जो हुई है अपनी, ठीक है सेकंड सर्विस का नहीं है ये, नॉर्मल इंस्पेक्शन का है भाई ये चार। वारंटी में अपना एक ही चीज़ हुई है, बाकी सब पैसे लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेल्डिंग हुई थी क्योंकि एक इशू था, वो आपको बताते हैं बाद में। तो यही सारी प्रॉब्लम्स थी। अभी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे इंजन ऑयल 500 ml कम निकला, जब उन्हें वो टॉपअप करने वाले थे तो 500 ml कम निकला, तो वो चीज़ वो समझ नहीं पा रहे कि इतना कम कैसे हुआ। मैं भी नहीं समझ पाया कि 500 ml अच्छा खासा होता भाई, बहुत ज़्यादा होता, इतना ऑयल गया कहाँ। तो वो कह रहे थे गाड़ी रख दो, मतलब एक दो दिन रखने के लिए कह रहे थे, बट मैंने बोला मैं घर नहीं जा पाऊंगा, मेरा घर यहाँ से 40 km के आसपास पड़ता है। तो मैंने एक डेट निकाली है 4 तारीख को, अपने यहाँ से 3 दिन बाद यहाँ पे लाएंगे और 2 दिन के लिए गाड़ी छोड़ देंगे, वो पूरी गाड़ी के अच्छे से चेकअप करेंगे। तो भाई मेरे को दिक्कत कि इन लोगों ने काफ़ी कुछ कैच किया, हैंडल बहुत ढीला हो गया था, कभी भी निकल सकता था, नीचे फ्रेमिंग भी उसका नट ढीला हो रखा था, वो चीज़ अगर मैं चेक नहीं करता तो मैं मुसीबत में पड़ सकता था लॉन्ग राइड पे। तो इन लोगों ने वो चीज़ कैच करी, तो अच्छी बात है। और ये 4 तारीख को फिर आऊँगा, अपनी हंटर लेके आऊँगा, हंटर में वापस चले जाऊँगा और इस गाड़ी को 2 दिन यहाँ पे रहेगी और पूरा फाइनल चेकअप होगा, कोई दिक्कत होगी वो सब वारंटी में हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, वारंटी में होगा, पैसे नहीं लगेंगे, बढ़िया चीज़ है भाई, मज़ा आ गया। सेकेंड सर्विस के बहाने हमने गाड़ी को चेक कर लिया और लुक्स निकल गया, अभी तक कोई दिक्कत है नहीं, तो कह रहे हैं दिक्कत होगी तो आपको बता देंगे, लेकिन गाड़ी आप छोड़ के जाओ पूरा चेकिंग। और ये बातचीत डायरेक्ट रॉयल एनफील्ड चेन्नई से हो रही है, इंजीनियर से बात हो रही है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई दिक्कत होती तो वारंटी तो कंपनी देगी ना, ये लोग तो देंगे नहीं, तो वही चीज़ें थी। चलो बाकी चीज़ें चलते चलते बताते हैं क्या क्या रह गई, मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, बहुत देर से हम थक गए, गाड़ी के पास ही घूम रहे थे बहुत देर से कम 2-3-4-5-6-5 घंटे से हम ऐसे चल रहे हैं। चलो चलते हैं फिर। तो अपने निकल रहे हैं, चाबी उधर से लेनी है, ये खड़ी गाड़ी अपनी मिल गई। चलो भाई मिरर अपने लग गए हैं अभी मिरर का, रात में देखते हैं क्या सीन बनता है मिरर का भी। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा यार। चलो बैठ जाओ, चलो भैया। वाह यार क्या काला काला मौसम हो रहा है, बारिश होने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है, क्या खतरनाक वेदर है। अरे अंकल जी, अभी जो बगल से बुलेट वाले अब अंकल जी गए, यही हमारी गाड़ी चेक करते हैं, अभी वो अभी टेस्टिंग पे गए हैं, ठीक है अंकल जी। तो वही सारी इन्फॉर्मेशन थी, सोच के निकले थे कि यार हम लोग सेकंड सर्विस करवाएंगे, बट वैसा हो नहीं पाया, क्योंकि यार ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, मैंने को ऐसा लगा गया था क्योंकि पहले से मुझे बताया था कि 5,000 किलोमीटर में होगी, बट ये BS4 नहीं है, BS6 है, तो BS6 के हिसाब से अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो चुकी है, अब जो हो गया है 500 किलोमीटर में फर्स्ट सर्विस, सेकेंड सर्विस 10,000 में, थर्ड सर्विस 20,000 में और फोर्थ सर्विस 30,000 में, समझे। तो इस तरीके से सर्विसेज होंगी, तो अभी तो यार 6,500 किलोमीटर चली है और 10,000 किलोमीटर चलने के बाद अपनी सेकंड सर्विस होगी। तो अभी अच्छा हुआ मैं गया और नई नई चीज़ें पता चली, इस गाड़ी में दिक्कतें थी, इंजन रिलेटेड दिक्कत है नहीं है वैसे, बेसिकली उतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला है कि यार पूरा ऑयल इसका बाहर निकाला, उसके बाद 500 ml जब फिर से फिल करते हैं ना तो उस बॉटल में लिख के आना पूरा फिल होना चाहिए, तो 500 ml उसमें एम्प्टी दिखा रहा था, तो भैया मैंने भी कंफ्यूज में गया कहाँ, इंजन ऑयल गया कहाँ, वो भी सोच रहे कहाँ गया। तो वही चीज़ सोचते उनने कंपनी को बातचीत करी कि ऐसा ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो तो डायरेक्ट कंपनी से बातचीत हो रही थी पहले, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जा कहाँ रहा है, ना कि ऑयल लीकेज भी नहीं है कहीं पे, पूरा का पूरा मतलब पूरा चेक किया ना इंजन को अच्छे से, तो इंजन में कहीं से भी लीकेज नहीं थी, तो वही सारी दिक्कतें थी। बट अब भाई दिक्कतें तो सोच में ये हो चुकी है कि गया तो गया कहाँ 500 ml। फिर उन्होंने एक डेट निकाली, मैंने बोला कि इस डेट में फ्री हूँ मैं 4 तारीख को, तो फिर मैं 4 तारीख को गाड़ी छोड़ दूंगा। अच्छी बात यह है कि नई चीज़ पता चल रही है, हैंडल थोड़ा सा ढीला नीचे से एक होता है पार्ट यहाँ पे नीचे, तो वो ढीला हो गया था, कट कट करके आवाज कर रही थी, मुझे वो आवाज बहुत टाइम से फील हो रही थी राइड्स में, बट मैंने सोचा कि वो मडगार्ड में इशू है भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं हाई स्पीड में होता और हैंडल के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो दिक्कत हो सकती थी। और दूसरी चीज चेसिस
जो नीचे वाला पार्ट है चेसिस का एकदम नीचे जहाँ पे स्टैंड होता है वहाँ पे एक नट बहुत ज्यादा लूज था, मतलब ऐसे नाच रहा था वो। तो वो चीज जब चेक करी, ऑयल निकालने के लिए वो सम गार्ड निकालना पड़ता है और वो सम गार्ड भी उसी से टच होता है। तो वहां भी देखा तो यार वो भी दिक्कत पड़ गई भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो भी एक चेसिस टूटने का डर, मतलब खुलने का डर था, नीचे से सम गार्ड ना ऐसे लटक जाता और मैं कहीं टकराता तो गाड़ी उछल जाती, तो वो चीज भी प्रॉब्लम थी। कोई नहीं, वो इंजन ऑयल पूरा टॉप अप कर दिया फिर से, पता नहीं 300 ml 500 ml एक्स्ट्रा, मतलब सेम जितना नहीं हो रहा था, मतलब बच रहा था जिसमें, उतना उन्होंने फिल कर दिया और उन्होंने बोला कि जितना गाड़ी चल सकते चला लो, उसके बाद देखते हैं फिर ऑयल कहाँ जा रहा है। फिर बाकी तो दो दिन रुकने के लिए कहा है, दो दिन अच्छे से इंजीनियर्स आएंगे वो लोग चेक करेंगे, क्योंकि ये देखो ये उनको पता नहीं चल रहा है क्योंकि ऑयल कहीं से लीक ही नहीं हो रहा है। तो 500 ml जाएगा तो जाएगा कहाँ। और अपना स्पार्क प्लग के वहाँ पर रस्टिंग आ रही थी, तो वो जो स्पार्क प्लग से पहले ब्लैक वाला पार्ट था उसमें भी रस्टिंग आ रही थी, तो वो तो खराब ही हो गया था एक तरीके से, पानी पड़ पड़ के, क्योंकि मैं गाड़ी बहुत ज़्यादा धोता हूँ ना इस चक्कर में, वो मेरी प्रॉब्लम थी वो। चलो कोई नहीं, वो भी शॉर्ट आउट हो गया, उसको भी चेंज कर लिया और उसके 1 rupee भी नहीं लगे, उसके सिर्फ वो वारंटी में लग गया, वारंटी में हो गया अपने आप ही। और बाकी और क्या था, हाँ, और चेन को टाइट कर लिया उनने, बाकी सामने का जो ब्रेक पैड होते हैं उसको भी चेंज कर दिया, मतलब उसको वो कर दिया, क्लीन कर दिया, चेंज तो नहीं किया खैर, क्योंकि उन्होंने बोला जब आएंगे तो अभी चल जाएगा अच्छा खासा किलोमीटर, तो मैंने सोचा 4 दिन है थोड़ा अच्छे से घिस लेंगे, 4 दिन चला चला के क्या फालतू में वेस्ट करना है नया वाला। और वो 2500 के आसपास है, तो काफ़ी महंगे हैं उसके डिस्क ब्रेक, जो क्या कह रहा हूँ यार मैं, जो डिस्क ब्रेक्स हैं, जो पैड है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आगे पीछे के। पीछे तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी बेसिकली मैं सामने के ब्रेक ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे हैं सामने के, पीछे वाला थोड़ा सा डिले रखता है मुझे। और ये अपने ने ग्लास ले लिया, बार एंड मिरर्स जो बहुत दिन से मैं कह रहा था, फाइनली अपने ने ले लिया। ओवर प्राइस तो है ही, इसकी प्राइजेज रेंज हम बाद में बताएंगे, ओवर प्राइस है बट क्वालिटी बहुत प्रीमियम है इसकी, वो तो अभी धीरे धीरे हमको एक्सपीरियंस के हिसाब से पता चलेगा कितना प्रीमियम है। हमारे यहाँ पे बन रही है रोड, काफी गंदी रोड हुआ करती थी जो कि बन रही है, देखो कितना ब्लैक ब्लैक, कितना मोटा पड़ रहा भाई, वेरी नाइस, परफेक्ट। तो यही थी सारी वीडियो भाई, गाड़ी ने अपने पूरा अच्छे से हमने चेकअप करवाया, गाड़ी का डॉक्टर दिखाया अच्छे से, और हमने काफ़ी कुछ पता भी चला, और उसको हम सॉल्यूशन करने के लिए कुछ 2 दिन के बाद हम गाड़ी दे देंगे रॉयल एनफील्ड में, और वो लोग अच्छे से बैठ के तसल्ली से कंप्यूटर वम्प्यूटर निकाल के चेकअप करेंगे अपनी इंटरसेप्टर को। हम लोग बिल्कुल भी लुक्स नहीं निकालेंगे कि भाई छोड़ दो यार ये दिक्कत है, चलो चलो इग्नोर करो, हम कुछ भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो चलो, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।